कारुण्य रूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। आपादमपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीराम भूय भूय नमाम्यहम्। हे रामा पुरुषोत्तम नरहरे नारायणा केशवा। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। रामायण यानी भगवान राम का उत्तम चरित्र, जिसका बखान महर्षि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास दोनों ने बहुत खूबसूरती से किया है। रामायण और रामचरितमानस में भगवान राम के माता पिता यानी दशरथ, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और भाइयों यानी लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सभी का जिक्र है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भगवान राम की एक बड़ी बहन भी थी, जिनके बारे में महर्षि वाल्मीकि की रामायण में तो जिक्र है, लेकिन रामचरितमानस में राम की इस बहन की कोई स्थान नहीं दिया गया, जिसके वजह से लोग उनसे अनभिज्ञ रह गए। भगवान राम की इस बहन का नाम था सांता। उनका जन्म भगवान राम के पैदा होने से वर्षों पहले हुआ था। वो चारों भाइयों से सबसे बड़ी थी, लेकिन उनका चरित्र अनसुना है, क्योंकि बचपन में ही उन्हें गोद दे दिया गया था। दरअसल भगवान राम की माता कौशल्या की एक बड़ी बहन थी, जिनका नाम था वर्षिणी। उनका विवाह अंग देश के राजा रोमपद से हुआ था, लेकिन वो निसंतान थे। एक बार अंगराज रोमपद और महारानी वर्षिणी अपने साढ़ू राजा दशरथ के राज्य अयोध्या में घूमने आए थे। तब राजकुमारी सांता नन्ही बालिका थी। उनकी बाल लीलाएं देखकर रानी वर्षिणी बेहद प्रसन्न होती थी। उन्हें राजकुमारी सांता से बहुत मोह हो गया। जब रोमपद और वर्षिणी वापस अपने राज्य अंगदेश लौटने लगे, तो नन्ही राजकुमारी सांता से बिछड़ने के बाद सोचकर मोहग्रस्त हो गए। उन दोनों को दुखी देखकर राजा दशरथ से रहा नहीं गया और उन्होंने राजकुमारी सांता को रोमपद और वर्षिणी की गोद में सौंप दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि आज से सांता और उन दोनों की ही पुत्री मानी जाएगी। दशरथ और कौशल्या का उन पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। यह सुनकर राजा रोमपद और रानी वर्षिणी बेहद प्रसन्न हो गए और सांता को लेकर अंगदेश चले गए, जहां उन्होंने सांता का बहुत लाड़ प्यार से पालन किया। सांता जब बड़ी हो गई, तब अंगदेश में भयानक दुर्भिक्ष पड़ा। कई सालों तक बारिश नहीं हुई, खेतों में फसलों का उगना बंद हो गया, भीषण गर्मी से लोगों की अकाल मृत्यु होने लगी। इस भयानक सूखे से निपटने का उपाय प्राप्त करने के लिए राजा रोमपद ने ऋषियों से सलाह ली, जिन्होंने उन्हें यज्ञ कराने का मशवरा दिया। इस यज्ञ की जिम्मेदारी युवा ऋषि सिंह को सौंपी गई, जो उस युग के जाने माने विद्वान थे। महर्षि ऋषि सिंह ने इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया, जिसके बाद अंगदेश में बारिश हुई। नदियों और तालाबों में पानी भर गया, खेत खलिहान में फसलें लहराने लगे। अंगदेश की प्रजा ने राहत की सांस ली। यह देखकर राजा रोमपद अति प्रसन्न हुए। उन्होंने युवा ऋषि सिंह को अपने परिवार में शामिल करने का निश्चय किया।
जिनके वजह से उनके राज्य पर आया संकट टल गया था। उन्होंने राजकुमारी सांता का विवाह महर्षि ऋषि सिंह से करा दिया और उन्हें अपना दामाद बना दिया, जिसके बाद दोनों खुशी खुशी दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन इस कालखंड में अयोध्या में राजा दशरथ बेहद दुखी हो रहे थे, क्योंकि सांता के जाने के बाद उनकी तीनों रानियों से कोई और संतान नहीं हो रही थी। तब उन्होंने गुरु वशिष्ठ से सलाह ली, जिन्होंने बताया कि पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ को पुत्रोष्ठ यज्ञ करना पड़ेगा। गुरु वशिष्ठ ने इस यज्ञ के लिए भी महर्षि ऋषि सिंह का नाम सुझाया। तब राजा दशरथ ने महर्षि ऋषि सिंह को अयोध्या में निमंत्रित किया और उनसे पुत्रोष्ठ यज्ञ कराया। इसी यज्ञ भाग की खीर खाने के बाद उनकी तीनों रानियां यानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ने गर्भ धारण किया और राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इस प्रकार भगवान राम के जन्म के उनकी बहन सांता के पति महर्षि ऋषि सिंह का बड़ा अहम योगदान था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में आज भी महर्षि ऋषि सिंह का आश्रम मौजूद है, जहां उनका पूजन अपनी पत्नी सांता के साथ होता है। यह मंदिर कुल्लू शहर से 50 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां पर महर्षि ऋषि सिंह और सांता की प्रतिमा स्थित है। इस मंदिर में दशहरे का उत्सव बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। तो यह थी कहानी भगवान राम की बड़ी बहन सांता की। उदय इंडिया डिजिटल पर मेरी खास कार्यक्रम भारतीय चेतना में मैं आपके लिए इसी प्रकार भारतीय शास्त्रों की भूली बिसरी कहानियाँ लेकर आती हूँ। यदि आपको मेरा ये कार्यक्रम पसंद आता है, इसे शेयर करके दूसरों तक पहुँचाना कतई ना भूले। जय श्री राम।